अच्छा देखिए, कल वाला जो लेक्चर था सिंपल पीएचपी सिंटैक्स हमने लिखा था. टुडे इन दिस लेक्चर हम एक फाइल बनाते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ. कहाँ पे था, ई में हमारे पास ZAMP फोल्डर है. ZAMP में htdocs में हमारे पास एक फाइल को सेव करते हैं. लेट से मैं इसको नाम देता हूँ सपोज लेक्चर 2.php. अभी जिस तरह किसने पूछा अभी शेरियार ने कि हम HTML में कि हम PHP में एक्सटर्नल CSS को यूज कर सकते हैं कि नहीं, सिमिलर है ठीक शो. तो देखिए फाइल मैंने किस नाम सेव किया है, .php के साथ ठीक है. और मैंने यहाँ पर HTML का एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. अब लेट से मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ, शेरी ने बनाया हुआ है असाइनमेंट जो मैंने कल दिया था. तो फॉर्म लेट से मैंने बनाया हुआ है, तो उसकी जो डायनेमिक अगर मैं उसको करना चाहता हूँ फॉर्म को, तो मैं यहाँ पर PHP टैग्स ले सकता हूँ ठीक है. इस जगह पे मैं PHP की कोडिंग कर सकता हूँ राइट. या मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर भी कर सकता हूँ, मतलब जहाँ पे भी आपने करना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. बॉडी के बाद भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं. लेकिन जो HTML का काम है, CSS का काम है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है. इंटरनल स्टाइल शीट लेके हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसी तरह एक्सटर्नल लेके हम उसको क्लास और ID के थ्रू उसको कस्टमाइजेशन उसको हम मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं और कैसे हम बनाते हैं PHP में. $, ये $ जो है ना, ये आपके वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है ठीक है. $ क्या करता है, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है. अभी लेट्स से जी, लेकिन वो तो कंप्लीट सिंटैक्स है ना, यहाँ पर हम सिर्फ वेरिएबल को बनाते हैं $ ठीक है. और लेट्स से मैं यहाँ पर इसको एक नाम असाइन करता हूँ x राइट. अब इसको जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, वहाँ पर हम एक वेरिएबल एक var कीवर्ड लेते थे, उसके बाद उसको हम नेम असाइन करते थे सपोज x, उसके बाद इक्वल साइन मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर एंड उसको हम वैल्यू असाइन करते थे. इस केस में हम जस्ट $x एंड उसके बाद हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे राइट. एंड उसको हम वैल्यू इंटीजर पे दे सकते हैं, या मैं यहाँ पर दिस इज माई फर्स्ट वेरिएबल मतलब हम इसको एक वेरिएबल की शेप में बनाते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं, फ्लोट भी असाइन कर सकते हैं, बूलियन ऑपरेटर भी असाइन कर सकते हैं और इंटीजर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. तो अब जिस तरह मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जब हम ये वेरिएबल लेते हैं तो उसकी एक ख़ास लिमिटेशन होती है, एक ख़ास उसकी पॉलिसी होती है, रूल्स होते हैं कि हम स्टार्ट जो है उसका नंबर से नहीं ले सकते. मैंने कहा था ना जावास्क्रिप्ट में कि हम स्टार्ट उसका जो है नंबर से. अभी लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ यासीन या एक्स ही लेते हैं एक्स, और मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ ठीक है. तो इस तरह हम वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर सकते हैं. या तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट सपोज के नेम ठीक है, मैंने नेम लिखा है. तो नेम के बाद लेट से स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट. तो अगर मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का फुल नेम कॉल करना हो लेट से स्टूडेंट एज, तो इस तरह मैं लिखूंगा राइट. बजाय इसके कि मैं
यहाँ पर वन लिखता हूँ या टू लिखता हूँ या डबल जीरो लिखता हूँ, मतलब मैं नंबर से स्टार्ट करता हूँ, तो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। या तो हम कैमल केस लिख सकते हैं, लेट से स्टूडेंट एज, कैमल केस, फर्स्ट लेटर जो है ये मस्ट बी कैपिटल होना चाहिए, तब हम उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। एक तो ये हुआ कि हम कैमल केस लिख सकते हैं, एक तो हम यहाँ पर अंडरस्कोर लिख सकते हैं, एक यहाँ पर हम इस तरह कॉल कर सकते हैं, नहीं अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, जस्ट इस तरह नहीं होगा कि आप नहीं इस तरह नहीं होगा कि आप इस तरह करें, सपोज स्टूडेंट स्लैश एच, नहीं देखिए वो साफ पता लग रहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, या इस तरह, असल में इसकी जो मीनिंग है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है, तो तभी ये कॉल नहीं होता। या मैं यहाँ पे मॉडुलस लगाता हूँ परसेंट साइन एज, तो हम इस तरह के वर्ड्स को यूज करके अपना वेरिएबल कॉल नहीं कर सकते, जस्ट अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं मैं यहाँ पर, लेट से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्टूडेंट एज के नाम से, मैंने यहाँ पे कैमल केस यूज किया है, एंड यहाँ पर मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ, लेट सपोज 25, राइट 25 मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन की है। अब इसको अगर मैं कॉल करूँगा तो वी हैव टू राइट इको इको एंड स्टूडेंट एज, मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, लोकल होस्ट स्लैश क्या नाम दिया था, लेक्चर टू डॉट पी एच पी, जैम्प नहीं ऑन किया है, इसको ऑन करें, स्टार्ट एंड इसको भी यहां पर स्टार्ट करें, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 25, मतलब 25 जो हमने वैल्यू दी थी स्टूडेंट एज को, वो यहाँ पर हमारे पास इस तरह आ जाएगी, क्लियर। यस, वेरिएबल को हमने पूरा कॉल करना है तो हम यहाँ पर डॉलर साइन के साथ ही कॉल करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, लेट से मैं डॉट लगाता हूँ, डॉट मीन कॉन्केटेनेशन, एंड माय एज इज 25, ठीक है, या स्टूडेंट एज इज 25, इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। अभी लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ, अभी मैं स्ट्रिंग को कॉल करता हूँ, किस चीज़ को, स्ट्रिंग को कॉल करते हैं, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एक्स में नाम लेता हूँ वैल्यू वेरिएबल को, एंड स्ट्रिंग में लेता हूँ हेलो अहमद हाउ आर यू, ठीक है। तो स्ट्रिंग को भी हम सेम इको के साथ कॉल करेंगे, इको एक्स को मैं कॉल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर हेलो अहमद हाउ आर यू आ जाएगा, क्लियर। अभी लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ H1, सॉरी डबल कोट्स में नहीं, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं H1 को, एंड यहाँ पर भी आप H1 को कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर कॉल करूँगा तो मेरे पास ये बॉल्ड आ जाएगा, ठीक है।
हम मतलब इसको एज अ बोल्ड कॉल कर सकते हैं. बोल्ड मीन हेडिंग्स जो हमारे पास है H1 से H6 तक, वो हम यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर सकते हैं. क्लियर? अगर मैं इस तरह कॉल करता हूँ डॉट डबल कोट्स रिफ्रेश, मेरे पास इस तरीके से भी हम इसको बोर्ड बना सकते हैं. या H6 लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं H6 में इसको लिखूँगा तो मेरे पास ये H6 बन जाएगा. क्लियर? एनी क्वेश्चन? यहाँ तो क्लियर. अब आते हैं लेट्स से हम इस वेरिएबल की डेटा टाइप को फाइंड करना चाहते हैं. इस वेरिएबल की डेटा टाइप, जिस तरह हम टाइप ऑफ लिखते थे जावास्क्रिप्ट में, सेम इन द केस हेयर यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर एक रिजर्व वर्ड यूज करेंगे var_dump के नाम से. तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ, लेट सपोज कॉपी एंड पेस्ट. यहाँ पर आके मैं इको करता हूँ, फर्स्ट इको सॉरी स्टूडेंट एच. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 25 एंड यहाँ पर मैं यूज करूँगा var_dump और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट एज. रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप कर दे डॉट बी आर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीजर, कि ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है. क्लियर? या मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज के दिस इज माय फर्स्ट क्लास PHP. ठीक है, अब क्या होगा स्ट्रिंग दिस इज माई फर्स्ट क्लास इन PHP, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब स्ट्रिंग आ रहा है. सेम इन द केस लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं फॉल्स, अब क्या आ रहा है बूलियन, बूलियन फॉल्स हमारे पास क्या हो रहा है बूलियन ऑपरेटर, हम इसको कॉल कर सकते हैं. या लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा. ठीक है, लेट सपोज, अच्छा अब वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं 4.5 लिखता हूँ, ये क्या है हमारे पास फ्लोट, इसको हम फ्लोट कहते हैं रिफ्रेश, तो मेरे पास यहाँ पर 4.5 मेरे पास डेसिमल एग्जैक्टली फ्लोट आ जाएगा. क्लियर? इस तरीके से हम वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं.